आयमा बेग ने शिकवा किया कि लोगों ने पूरा सच जाने बगैर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया। इनका कहना था कि वो इस मामले पर ज्यादा बात नहीं करेंगी। अगर मामला ज्यादा बड़ा तो मजीद बेहुदा चीजें सामने आएंगी जो इल्जाम लगाने वालों के बारे में ही होंगी। इनका कहना था कि कुछ एक्टर लोग सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और पैसे के लिए इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फनकार लोग अपनी हंसती मुस्कुराती तस्वीरें लगाते हैं, लेकिन पीछे की हकीकत से सिर्फ वही वाकिफ होते हैं। वो इस वक्त सदमे की कैफियत से दो चार हैं। आयमा बेग का मजीद कहना था कि उन्होंने एक बात सीखी है कि ऐसा शख्स जो आपसे उम्र में ज्यादा बड़ा हो, इसको डेट कभी ना करो, क्योंकि आपको पता नहीं होता इसके जेन में क्या चल रहा होता है। आयमा बेग ने मजीद कहा कि वो तमाम लोग जो इस बात से परेशान हैं कि असल में क्या हुआ है, वो थोड़ा इंतजार करें, एक दो दिन में सारी सूरत हाल वाजे हो जाएगी।